हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कॉइन मीडिया में। दोस्तों जैसे कि आज आपने थंबनेल देखा होगा दोस्तों, 50,000 पे दोस्तों कीमत है इस सिक्के की। तो दोस्तों बिल्कुल ठीक थंबनेल देखा है आपने, ये निकल ब्रास का सिक्का आता है दोस्तों। और दोस्तों ये प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, 50,000 पे ही कीमत है दोस्तों इस सिक्के की। अब वो किस तरीके से है कीमत, ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। कल ही की ये इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल कल आई है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों आप सबको। मैं अपने चैनल पर बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देता हूँ, जो क्योंकि एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी की होती है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। और इसमें दोस्तों मैं कुछ आपके साथ आपके सेलिंग के लिए भी बात करने वाला हूँ। एक हमारे जाने पाने कलेक्टर हैं, उन्होंने दोस्तों कुछ अपना, उनको इमरजेंसी आई होगी इसीलिए वो कुछ सेलिंग पे डाला है उन्होंने, तो दोस्तों मेरे को दिए उन्होंने, सर ये आप सेल कर सकते हो, आपके सब्सक्राइबर किसी को चाहिए हो तो रेयर आइटम है दोस्तों, सारी की सारी आप अपने कलेक्शन में रख सकते हो, एक कलेक्टेबल ग्रेड के साथ है वो, ठीक है। उस वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप अपने कलेक्शन में उसको रख सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो जाएगा, आप बुकिंग कर लीजिए, ठीक है, चाहिए तो आपको। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम रेयर आइटम जो लगी है थंबनेल पे उसी के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों ये इस तरीके के पैकेट होते हैं जो सील पैकेट आते हैं RBI से, ठीक है ना, ये देखिए आप कॉइन के पैकेट आते हैं। और दोस्तों ये जिस पैकेट होते हैं, ये जिस बैग में आते हैं दोस्तों, उसको कॉइन बैग बोला जाता है, ठीक है ना। उसमें ऐसे कई सारे पैकेट होते हैं जिसमें दोस्तों आपकी किस्मत खोलने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो बड़े बड़े डीलर, और मैं भी दोस्तों बुक करता रहता हूँ, कभी कभी लॉटरी दोस्तों लग जाती है, लॉटरी ही बोलूँगा दोस्तों, किस्मत तेज होनी चाहिए, लॉटरी लग जाती है। वो किस तरीके से लगती है वो आप इस वीडियो में सही से समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये एक है, आप देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, एक पैकेट है रानी का, एक है ये बीजू पटनायक का दोस्तों, और एक दोस्तों ये है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक मिनट, जमशेद जी टाटा का, ठीक है दोस्तों। ये तीन पैकेट पड़े हैं, मगर दोस्तों ये तीनों पैकेट क्या है कि मैंने चेक कर रखे हैं बाहर से, ठीक है, बाहर से जितना चेक हो सकता है, जितना हम देख सकते हैं उतने में पता लग जाता है। अगर इसमें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्टिंग एरर होते हैं, वो ऐसे ऐसे जैसे गड्डी बनी है ना, इसमें दोस्तों पता नहीं लगता शिफ्टिंग एरर भी हुआ तो, ठीक है। अगर जैसे OMS आ जाता है दोस्तों, अलग मेटल का कॉइन, वो पहचान में आ जाता है, ठीक है, वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों हमारे एक डीलर हैं, बहुत अच्छे पहचान के हैं, मित्र हैं हमारे। तो दोस्तों ये बीजू पटनायक का कॉइन है, सबसे पहले आप इसको देखिए, ये कल दोस्तों किसी ने कंप्लेंट की थी कि सर वीडियो साफ नहीं दिख रही, तो दोस्तों मैं जूम करना भूल गया था उस वीडियो में, ठीक है। वैसे मैं आईफोन से आपके लिए शूट करता हूँ, इससे बढ़िया तो क्लियरिटी किसी में होती नहीं है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप बीजू पटनायक का दोस्तों ये पैकेट है, और दोस्तों ये है 2 मिनटों में आया दोस्तों कैलकाटा और हैदराबाद, ठीक है। जैसे आपको पता है कैलकाटा मिंट रेयर कैटेगरी के मिंट है, काम बहुत कम किया है उसने, और दोस्तों दूसरी हैदराबाद है, ठीक है। ये पैकेट आपको इजीली दोस्तों किसी भी डीलर से लेंगे 3500 से 4000 के बीच में ये पैकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये पैकेट आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मेरे पास भी अवेलेबल है 10 पैकेट, वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। मगर जो अभी रेयर इन्फॉर्मेशन है ना, वो सुनिए आप दोस्तों। जैसे ये पैकेट है जो कि ये आए थे दोस्तों 2016 में, तो दोस्तों कईयों के पास 2016 के बैग पड़े हैं, ठीक है। अब हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बैग खोला होगा सेलिंग के लिए, डाले होंगे हैदराबाद मिंट में ही दोस्तों। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए आप, पिक्स लगा रहा हूँ तो आप इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। ये पिक्स में देखिए दोस्तों, यही पैकेट है जो सेम आपके सामने रखा है। इस पैकेट में देखिए दोस्तों, एक OMS कॉइन है बीजू पटनायक हैदराबाद मिंट, ठीक है दोस्तों। इस पे देखिए मैग्नेट भी चिपका रहे हैं, मैग्नेट उसको चिपक रहा है, क्योंकि दोस्तों स्टेनलेस स्टील का कॉइन है। और दोस्तों इनके जो पैकेट है, दो पैकेट में दोस्तों ये OMS निकला है, ये देखिए आप, दोनों कॉइन आपको अलग अलग पैकेट में दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक रेयर इन्फॉर्मेशन आई है जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, मार्केट में क्या नया आया है उस पर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोगों का भी कुछ फायदा हो सके। अगर आप में से किसी के पास भी बीजू पटनायक का बैग आपने जब से होल्ड करा हुआ है, तो दोस्तों उसको ओपन करिए और उसमें चेक करिए दोस्तों, एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का कॉइन है।
आज की डेट में दोस्तों ये कॉइन का पैकेट समेत ये कॉइन उसके अंदर सील पैकेट में 50,000 रुपये का दोस्तों मुझे ऑफर हुआ है। ठीक है, ये एक पैकेट बस इसके अंदर है। ये OMS है दोस्तों, एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का, जो आज तक कभी ना किसी ने देखा है। अब दोस्तों देखा गया है ये पहली बार, ठीक है, यूट्यूब पे भी पहली बार है दोस्तों ये वीडियो जो मैंने आपके लिए शेयर करी है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। इस पे मैंने वीडियो सबसे पहले दोस्तों आपको बना के बता दिया है कि गलती क्या हुई है। ठीक है, गलती से स्टेनलेस स्टील का कॉइन ये बन गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों इन्हों से डीलर से मेरी बात हुई थी, ये आप देख सकते हैं, मैंने इनको सीधा प्राइस पूछा था, इन्होंने दोस्तों 50,000 रुपये बोला है सर, 50,000 रुपये। तो मैंने भी दोस्तों थैंक यू बोल दिया उनको, लक्की यू भी बोला, उनके बैग में निकला है दोस्तों। तो बैग दोस्तों आपने भी होल्ड करे हैं तो आप जरूर बैग में चेक करिए, कोई सा भी दोस्तों आपने बैग होल्ड किया हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसा OMS निकल जाता है जो बहुत तगड़ी दोस्तों लॉटरी लगती है एक तरह से। ठीक है, कोई रेयर कैटेगरी का आपने बैग होल्ड किया है उसमें ऐसा OMS आ गया तो दोस्तों लाख रुपए से ऊपर की बात हो जाती है, एक एक कॉइन ऐसा आ जाता। ठीक है, तो आप अपने कलेक्शन में जरूर चेक करिएगा, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। ऐसे लक्की होते हैं लोग जिनको दोस्तों मिल जाता है। ठीक है, आप भी उनमें से हो सकते हैं, अगर आपने बैग होल्ड किया तो चेक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप भी, मैं बोलना चाहूँगा ऐसे दोस्तों रीजनेबल प्राइस पे बैग मिल जाते हैं तो आप कहीं से भी दोस्तों ले लीजिए, फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है बैग का। क्योंकि दोस्तों देखिए स्मारक कॉइन छपना बंद हो चुके हैं। ठीक है, पहले जो छपते थे सबसे लास्ट दोस्तों 5 रुपये का PCM का आया है, उसके बाद कोई भी ये आप देख रहे हैं स्मारक कॉइन 5 रुपये में नहीं आए। ठीक है दोस्तों, तो कहीं से भी आपको मिलता हो तो रीजनेबल प्राइस पे आप बैग लीजिए, सील पैकेट RBI की सील्ड होनी चाहिए। ठीक है, उसमें दोस्तों आपको ऐसी लॉटरी लग सकती है, एक्सट्रीमली कैटेगरी का है दोस्तों, रेयर, एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का इसको बोलेंगे हम, क्योंकि पहली बार देखा गया है मार्केट में और हंगामा हो गया है दोस्तों कल से। दोस्तों इसमें आपने सब कुछ दिखा दिया मैंने आपको, क्या है मार्केट में बवाल, क्या हुआ है, कल की है ये, कल दोपहर की बात है, मैंने दोस्तों रात में सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई, इनसे बात करी और मैंने अब वीडियो बना दी। ठीक है ना, कि आपको भी पता लगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में, एक एक फोटो आपके लिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये कलेक्टर ने माल भेजा है, तो आप में से किसी को भी चाहिए ये रेयर कैटेगरी की आइटम है सारी, तो दोस्तों आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, प्राइस के बारे में आप डिटेल मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आपको चाहिए तो आप फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है दोस्तों, मैं प्राइस आपको बता दूंगा। ठीक है, आपका मन करे तो दोस्तों आप बिल्कुल रेयर कैटेगरी के है ना, चुनिंदा ग्रेट है, तो ये कैटेगरी को आप अपने कलेक्शन में दोस्तों रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं 1978 की बॉम्बे मिंट की एक एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी की दोस्तों, ये 50 पैसा आता है, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, ये एक उपलब्ध है दोस्तों, आप में से किसी को भी चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा कॉइन मैंने आपको दिखाया था म्यूल कैटेगरी का, दिल्ली वाला। ठीक है, दिल्ली कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे ओलंपिक, उसके ऊपर दोस्तों ये आधारित है कॉइन, ये दोस्तों म्यूल कॉइन है। ठीक है, फ्रंट बैक आप देख सकते हैं, विदाउट डिनोमिनेशन कॉइन इसको बोला जाता है, इसमें कहीं पे भी आपको 5 रुपीज नहीं लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपने कलेक्शन में रख सकते हैं, एक बढ़िया ग्रेड में है ये भी। अब दोस्तों तीसरा कॉइन आप देख रहे हैं, ये भी दोस्तों म्यूल है, 2 रुपीज का। ठीक है दोस्तों, रीजनेबल प्राइस पे उपलब्ध है दोस्तों, आप ये ले सकते हैं अपने कलेक्शन में रखने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये 2 रुपीज का म्यूल आपको दिख रहा है। अब दोस्तों 5 रुपीज के ये म्यूल देख लीजिए आप, ये लास्ट है जो 4 पीस है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, आपको ये भी चाहिए हो तो ये भी आप ले सकते हैं। ये दोस्तों 5 रुपये कॉपर निकल संयुक्त राष्ट्र वाला है, 9 ग्राम वेट वाला, ये आप देखिए इसमें लोयन वेराइटी है, मैं दोनों फोटो आपको लगा रहा हूँ तो आप देख लीजिए, अच्छी कलेक्टेबल ग्रेड के अंदर दोस्तों ये 4 कॉइन है। ठीक है, ये 4 पीस है। अब दोस्तों आपको और रेयर आइटम दिखाता हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों आप 50 पैसा देख रहे हैं, 1989 हैदराबाद मिंट। ठीक है दोस्तों, ये रेयर से एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में दोस्तों पहुंच गई है ये, 50 पैसा बहुत टाइम से दोस्तों बिक रहा है मार्केट में, अब सब ने होल्ड कर लिया है दोस्तों, कोई भी इसको बेच नहीं रहा। ठीक है, ये बहुत ही कलेक्टेबल ग्रेड में है दोस्तों, आप देख रहे हैं 7 पीस आपके सामने रखे हैं दोस्तों, रीजनेबल प्राइस पे है, अभी आप पूरा लॉट लेंगे 7 पीस का तो और भी ज़्यादा दोस्तों रीजनेबल प्राइस में लगा दूंगा। ठीक है, आपको चाहिए अपने कलेक्शन के लिए तो ऐसे आप रेयर कॉइन पे दोस्तों जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी आज,
वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक शेयर करना दोस्तों। तो आपको कुछ भी ऑर्डर करना है व्हाट्सअप नंबर आपको शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।